और अशरफ की हत्या ने चारों तरफ सनसनी फैला दी और तमाम सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच प्रयागराज पुलिस ने FIR दर्ज करवाई है। प्रयागराज पुलिस की ओर से दर्ज कराई गई FIR में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। बता दें कि प्रयागराज पुलिस की ओर से धूमनगंज थाने में FIR दर्ज कराया गया है। इस FIR में उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अभियुक्तों को जेल से लाए जाने से लेकर मौत की जानकारी दी गई है। 15 अप्रैल को हुई पूरी घटना का विवरण दिया गया है। प्रयागराज कमिश्नरेट के धूमनगंज थाना के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार मौर्या की ओर से यह FIR दर्ज करवाई गई है। इस FIR में 15 अप्रैल की घटना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि 14 अप्रैल को सही प्रकार से पूछताछ नहीं होने के बाद 15 को दोनों अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गई। दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पड़े 45 बोर का एक पिस्टल, 32 बोर का एक पिस्टल, 58 जिंदा कारतूस, भिन्न भिन्न बोर के 5 कारतूस, 9 mm पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बरामद किए गए। FIR में कहा गया है ये देश में प्रतिबंधित बोर के कारतूस मिले, बरामद पिस्टल और कारतूस उमेश पाल और सहयोगियों की हत्या में प्रयोग में लाए गए थे। इस बरामदगी के बारे में 15 अप्रैल को अभियुक्त अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ धारा 325-27-35 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। 15 अप्रैल की शाम दोनों अभियुक्त ने बताया कि उनको काफी घबराहट हो रही है। अभियुक्तों की दशा बिगड़ती देखकर मेडिकल जांच के लिए हाजा थाना के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मौर्य, उप निरीक्षक विजय सिंह, उप निरीक्षक सौरभ पांडे, उप निरीक्षक सुभाष सिंह, उप निरीक्षक विवेक कुमार सिंह, उप निरीक्षक प्रदीप पांडे, उप निरीक्षक विपिन यादव, उप निरीक्षक शिव प्रसाद वर्मा, हेड कांस्टेबल विजय शंकर और कांस्टेबल सुजीत यादव, गोविंद कुशवाहा, दिनेश कुमार, धनंजय शर्मा, राजेश कुमार, रविंद्र सिंह, संजय कुमार, प्रजापति, जैमेश कुमार, हरिमोहन और मान सिंह के साथ बोलेरो वाहन से रात 10:19 पर अस्पताल भेजा गया। आरक्षी चालक महावीर सिंह गाड़ी चला रहे थे। अतीक अहमद और अशरफ को मोतीलाल नेहरू मंडल चिकित्सालय भेजा गया। इस काफिले के साथ एक सरकारी जीप भी गई। रात 10:30 अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस टीम मोतीलाल नेहरू मंडल चिकित्सालय पहुंची। अस्पताल के गेट पर गाड़ी खड़ी करके तमाम पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ को लेकर अस्पताल की ओर बढ़े। वाहन चालक महावीर सिंह और सत्येंद्र कुमार को वाहनों की सुरक्षा के लिए रखा गया था। हॉस्पिटल गेट से 10-15 कदम आगे बढ़ते ही मीडिया कर्मियों का हुजूम सुरक्षा घेरे में चल रहे अतीक और अशरफ की बाइट और वर्जन लेने के लिए अपने कैमरे और माइक के साथ पहुंच गया। सुरक्षा घेरे को तोड़कर मीडियाकर्मी अतीक और अशरफ के करीब पहुंच गए। मीडियाकर्मियों को देखकर दोनों बाइट देने के लिए रुक गए। इस दौरान पुलिस टीम पीछे से उन्हें आगे बढ़ने की ओर कह रही थी। इसी दौरान मीडियाकर्मियों की भीड़ से दो मीडियाकर्मियों ने अपनी माइक और आईडी को नीचे फेंका। हथियार निकालकर अतीक और अशरफ को निशाना बनाकर फायरिंग शुरू कर दी। उन लोगों के पास अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक हथियार थे। गोलीबारी की इसी घटना के दौरान तीसरा मीडियाकर्मी भी अतीक और अशरफ को लक्ष्य करके फायर करना शुरू कर दिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक मीडियाकर्मियों का रूप धरे हत्यारों ने अतीक और अशरफ को गोली मार दी। हमलावरों की घातक फायरिंग की वजह से कांस्टेबल मान सिंह के दाहिने हाथ में गोली लग गई। गोलीबारी के बीच पुलिसकर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर ही तीनों हमलावरों को लोडेड हथियारों के साथ पकड़ लिया। हमलावरों को भागने का अवसर नहीं मिला। हमलावरों का एक साथी अपने साथियों के क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ। हमलावरों की गोली से गंभीर रूप से घायल अतीक और अशरफ को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। हमलावरों को हाथों में लोडेड हथियारों के साथ पकड़ा गया। पुलिसकर्मियों ने जब तीनों को पकड़ा तो उनके हाथों से लोडेड हथियार छिटक कर गिर गए। घटनास्थल पर मीडिया के कैमरों में आए हथियार यही थे। फायरिंग के दौरान भगदड़ में कुछ पत्रकार चोटिल भी हुए हैं। घटनास्थल को सेलो टेप से सुरक्षित कराकर फील्ड यूनिट की ओर से फॉरेंसिक जांच कराई गई। कांस्टेबल मान सिंह को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मौके से पकड़े गए अपराधियों की पहचान हो गई। एक ने अपना नाम लवलेश तिवारी पुत्र यज्ञ कुमार तिवारी निवासी केवतरा क्रॉसिंग थाना कोतवाली बांदा उम्र 22 साल बताया है। दूसरे ने अपना नाम मोहित उर्फ सनी पुत्र स्वर्गीय जगत सिंह निवासी कुरारा थाना कुरारा जिला हमीरपुर उम्र 23 साल बताया है। तीसरे आरोपी ने अपना नाम अरुण कुमार मौर्या पुत्र दीपक कुमार निवासी कातरबारी थाना सोरो जिला कासगंज उम्र 18 साल बताया है। हत्या के उद्देश्यों के बारे में पूछने पर तीनों अभियुक्तों ने कहा कि हम लोग अतीक अहमद गैंग का सफाया करके प्रदेश में अपने नाम की पहचान बनाना चाहते थे। इसका लाभ भविष्य में निश्चित रूप से मिलता। हत्यारों ने कहा कि हम लोग पुलिस के पहरे का अनुमान नहीं लगा पाए और हत्या करके भागने में सफल नहीं हो पाए। FIR में अतीक और अशरफ के हत्यारों के हवाले से कहा गया है कि पुलिस की तेजी से की गई कार्रवाई के कारण हम लोग पकड़े गए। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा है कि अतीक और अरशद की पुलिस कस्टडी रिमांड की सूचना जब हमें मिली थी तब से हम लोग मीडियाकर्मी बनकर यहां के स्थानीय मीडियाकर्मियों के भीड़ में रह रहे थे। दोनों को मारने की फिराक में थे लेकिन सही समय और मौका नहीं मिल पाया।
आज मौका मिला तो हम लोगों ने घटना को अंजाम दे दिया। मौके पर हत्या की घटना के बाद काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस घटना की सूचना पर पुलिस बल भी भारी संख्या में पहुंची। घटना को मीडिया कर्मियों के अलावा अन्य लोगों ने भी देखा। अभियुक्त कलवलेश को क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है, जिसका इलाज स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो ये थी वो FIR कॉपी जिसमें एक पुलिसकर्मी ने सब कुछ दर्ज करवाया है। तो अब क्या कुछ कहना है इस FIR कॉपी को लेकर आपका, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।